सो गाइज, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है ना हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपकमिंग गाड़ियाँ जो आप लोगों को कुछ महीनों बाद जो है ना मार्केट में देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोग भी जो है ना कुछ गाड़ियों का वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि इस लिस्ट के अंदर जो है ना वो गाड़ियाँ हो जिसका वेट आप लोग कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोगों को जो है ना एक आइडिया लग जाएगा क्या आप लोगों को वो गाड़ी का वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम लोग ऐसे ही 8 से 9 गाड़ियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो अपकमिंग में है, ठीक है, कुछ महीनों के बाद जो है ना यहाँ पे लॉन्च होने वाली है, कौन सी गाड़ियाँ रहने वाली है, किन कंपनी की वो गाड़ी है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के साथ ये गाड़ी आने वाली है और लॉन्च डेट कब तक रह सकता है, ये सारी चीज़ें जो है ना आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल विदाउट स्किप लास्ट तक देखना। तो चलिए हम लोग जो है ना शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो गाड़ी आने वाली है वो रहेगी किया मोटर्स की तरफ से टेल्यूराइड। आप लोगों को पता ही है जो किया मोटर्स है वो इंडियन मार्केट के अंदर अपनी बहुत ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियों को जो है ना बेचता है, उनमें से एक गाड़ी टेल्यूराइड है जो कि इनकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है ना बहुत अच्छे से बिकती है, वो है टेल्यूराइड। और ये एक प्रीमियम 7 सीटर लेआउट में आने वाली एक गाड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना अट्रैक्टिव लुक्स के साथ आती है। सामने से देखोगे इस गाड़ी को तो आप लोग को एक नया किया का ग्रिल आप लोग देख रहे होंगे, जो नॉर्मल यहाँ पे किया की गाड़ियाँ मिलती है उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना आप लोग को यूनिक मिलेगा ये ग्रिल, और साथ ही में एक नया लाइटिंग सेटअप आप लोग को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों को इसके इंजन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो यहाँ पे 3.8 लीटर का एक पेट्रोल इंजन आप लोग को ऑफर किया जाएगा जो कि 8 स्पीड मैनुअल और 8 स्पीड ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स के साथ आप लोग को पेयर होगा। ये यहाँ पे आप लोगों को किया का कनेक्टेड टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। वेंटिलेटेड प्लस हीटेड सीट्स आप लोगों को जो है ना इस टेल्यूराइड के अंदर मिलने वाला है, और ट्रिपल जोन के अंदर आप लोगों को एसी मिल जाएगा, पावर टेलगेट मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, एडास मिल जाएगा, और भी कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप लोग को इस टेल्यूराइड के अंदर बहुत सारे मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये गाड़ी पसंद आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस गाड़ी का नाम लिखना, हम लोग डेडिकेटेड वीडियो जो है ना इस गाड़ी पे भी बना सकते हैं। बाकी इस गाड़ी का लॉन्च डेट आप लोगों को मैं बता देता हूँ, तो ये गाड़ी आप लोगों को जो है ना एंड ऑफ द ईयर या फिर आप लोगों को फेस्टिव सीजन तक जो है ना इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी खबरें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बाकी प्राइसिंग नहीं बताई, क्योंकि प्राइसिंग देखिए इस गाड़ी की अगर मैं बताता हूँ जिस हिसाब से इस गाड़ी के जो फीचर्स है उसके हिसाब से, तो इस गाड़ी को जो है ना 18 से लेके आप लोग को ये 30 से 30 लाख तक जो है ना इस गाड़ी की प्राइसिंग एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट गाड़ी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली है नेक्सॉन CNG, और ये CNG ICNG वाली है। आप लोगों को पता ही है नेक्सॉन जो है ना बहुत टाइम से टेस्टिंग पे चली हुई है इसका CNG वाला वेरिएंट, और इंडियन एक्सपो पे भी आप लोगों को जो है ना मोबिलिटी पे दिखाया गया था नेक्सॉन को CNG के साथ, जहाँ पे आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें वही सारी कहानी है जैसे टियागो के अंदर मिलता है, एल्ट्रोज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, वही सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को इस नेक्सॉन के अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पे 1.2 लीटर का आप लोगों को टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है और एक 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया जाता है, मैनुअल DCT गियरबॉक्स और ऑटोमेटिक आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे मिल जाता है, और CNG का लोगो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें नया, और एक साथ ही में जो है ना जो CNG होगा वो इसके पेट्रोल वाले वेरियंट में होगा, जो कि जो इसका पावर आउटपुट करता है वो है 120 PS की पावर और 170 NM का टॉर्क जनरेट करता है। 12 किलो का जो है ना CNG कैपेसिटी आप लोग के लिए इसमें दिया गया है, जो कि माइलेज निकाल सकता है 22 से 23 KMPL की। अब देखिए आप लोग जो है ना ये किया जो माइलेज है बहुत ज़्यादा अच्छा है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। इल्यूमिनेटेड लोगो इसके स्टेयरिंग व्हील पे आप लोग को देखने को मिलेगा, बिग स्क्रीन होगा, और भी कई सारे ऐसे फीचर्स हैं सेफ्टी के जो कि आप लोग को नेक्सॉन के अंदर मिलते हैं। बाकी अगर लॉन्च डेट के बारे में या फिर आप लोगों को प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो देखिए इसकी प्राइसिंग जो है ना 50 से 60 हज़ार रुपये ज़्यादा हो सकती है नॉर्मल वाले नेक्सॉन से। यहाँ पे जो लॉन्च डेट रह सकती है इसकी एक्सपेक्टेड, ये अभी आप लोग को 1 से 2 महीने के अंदर यहाँ पे मार्केट में मिल जाएगी। बाकी नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो महिंद्रा मोटर भी पीछे नहीं रहने वाला है। यहाँ पे महिंद्रा की भी जो है ना 5-door Thar आने वाली है। आप लोगों को पता ही है इसकी भी टेस्टिंग बहुत टाइम से चली हुई है, पता नहीं इस गाड़ी को कब लॉन्च करने वाले है, जिसमें आप लोग को जो है ना यहाँ पे एक नया ग्रिल हमारे को देखने को मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर, और एक नया स्टेयरिंग व्हील भी हमारे को जो है ना देखने को मिल रहा है इस गाड़ी में, और साथ ही में अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक लार्ज टच स्क्रीन मिल जाएगा जो कि 12.3 इंचेस का रहेगा। फ्रंट में आप लोग को आर्मरेस्ट देखने को मिलेंगे सेपरेट, पार्किंग कैमरा होगा, पार्किंग सेंसर्स आप लोग को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप लोग को
सनरूफ भी देखने को मिल सकता है, मतलब मिल सकता है नहीं, सनरूफ भी आप लोगों को दिया जाएगा, जहां पे इसको टेस्टिंग के दौरान बहुत बार इसके सनरूफ को भी देखा गया है। डिस्क ब्रेक्स आप लोगों को चारों में मिल जाएंगे, इसके विंडो कंट्रोलर अब आप लोगों को हर दरवाजों पे देखने को मिल जाएगा इसमें। अब आप लोग फैमिली को भी बड़े आराम से इस गाड़ी के अंदर बिठा के ले जा सकते हैं और प्रॉपर ये गाड़ी ऑफ रोडर भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा और एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया जाएगा। मतलब जो इंजन होने वाला है, इंजन आप लोग को सेम वही थ्री डोर थार वाला ही आप लोग को सेम मिलेगा इसमें, बाकी थोड़ा बहुत पावर आउटपुट में आप लोग को जो है ना ऊपर नीचे हो सकता है इसके अंदर। बाकी देखिए प्राइसिंग जो है ना इस गाड़ी की, ये भी आप लोग को जो है ना 1 से 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है, नॉर्मल वाली थार से महंगी हो। और इसकी एक्सपेक्टेड जो लॉन्च डेट है, ये भी आप लोग को कुछ ही महीनों में या फिर 1-2 महीने के अंदर जो है ना ये गाड़ी आप लोग को मिल जाएगी। और जैसे ही इस गाड़ी के बारे में, इन गाड़ियों के बारे में कोई भी न्यूज़ निकल के आती है तो हम आप तक जो है ना सबसे पहले पहुँचाते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अभी ही जाके। बाकी नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो रेनो मोटर्स के तरफ से भी आने वाली है डस्टर। आप लोगों ने देखी है जैसे कि डस्टर को जो है ना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, जिसको डासिया डस्टर के नाम से जानते हैं। इंडिया के अंदर ये डस्टर के नाम से बिकेगी नॉर्मली, जिसमें लुक्स वाइज देखते हैं तो एक नया लुक मिलता है गाड़ी के अंदर पूरी तरीके से, जिसमें एग्रेसिव डिज़ाइन दिए गए हुए इस गाड़ी को, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लुक लग रही है गाड़ी। और यहाँ पे काफ़ी मेजर अपग्रेड्स भी इस गाड़ी में दिए गए हुए हैं। प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो 15 से लेकर जो है ना 20 लाख रुपये की कीमत में इस गाड़ी को यहाँ पर उतारा जा सकता है। और 1.2 लीटर का एक हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोगों को दिया जा सकता है, एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। यहाँ पे जो फीचर्स रहेंगे वो सारे अप टू डेट फीचर्स आप लोगों को ऑफर किए जाएंगे इसमें, और एडवांस लेवल के टेक्नोलॉजीज यूज़ किए जाएंगे इस गाड़ी को और भी ज़्यादा प्रीमियम बनाने के लिए। एक नया बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा इस गाड़ी के अंदर, एक डिजिटल क्लस्टर होगा, 360 डिग्री कैमरा होगा, और भी कई सारे ऐसे वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स आप लोग को इसमें मिलेंगे। बाकी अब आप लोग एक चीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जाके बताना, जो रेनो डस्टर है ये आप लोग को जो थी मार्केट के अंदर, क्या ख्याल था आप लोग का इस गाड़ी के बारे में, कि ये गाड़ी आप लोग पसंद करते थे या फिर किस टाइप से आप लोग इस गाड़ी को देखते थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपनी राय मुझे ज़रूर देना। बाकी देखिए इस गाड़ी का जो लॉन्च डेट है, ये आप लोग को फेस्टिव सीज़न तक या फिर साल के आखिरी आखिरी तक ही ये गाड़ी आप लोग को जो है ना मार्केट में मिल सकती है। बाकी नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो निसान मोटर्स की तरफ से आने वाली है कैशकाई, और निसान मोटर्स से भी हम एक ही चीज़ जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ना प्रोडक्ट लेके आओ इंडिया के अंदर, अदरवाइज आप लोगों की जो है ना मार्केटिंग यहाँ पे बिल्कुल डाउन हो चुकी है। जैसे कि आप लोग की मैग्नाइट है, वो भी अब इतनी खास कुछ नहीं चल रही है। बाकी कैशकाई देखिए जो गाड़ी है, ये एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी रहने वाली है, जिसमें आप लोग की प्राइसिंग रखी जा सकती है इस गाड़ी की 13 से लेकर 18 लाख रुपए की कीमत में। बाकी एक्सटीरियर का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रीमियम है इस गाड़ी का, पता नहीं मैं मतलब रेनो मोटर्स इस गाड़ी को इंडिया के अंदर बहुत जल्दी लेके आना चाहिए यार, क्योंकि इस गाड़ी की ज़रूरत है यहाँ पर इंडिया को, क्योंकि इसके इंटीरियर भी उतने ही ज़्यादा प्रीमियम है जितने ये एक्सटीरियर से प्रीमियम लग रही है। और सामने से देखोगे तो निसान का सिग्नेचर ग्रिल आप लोग को ऑफर किया जाएगा इसमें, और जो इंजन दिया जाएगा वो 1.5 लीटर का ई पावर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को मैनुअल 7-स्पीड DCT गेयरबॉक्स ऑफर किया जाएगा। डुअल टोन के साथ डैशबोर्ड का लेआउट होगा इसमें, एक बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, वेंटिलेटेड प्लस आप लोग को हीटेड सीट्स का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर मिल सकता है, और भी सेफ्टी के भी बहुत सारे फीचर्स आप लोग को इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी लॉन्च डेट के बारे में बताऊँ आप लोग को तो ये गाड़ी आप लोग को जून से जुलाई के महीने में ये गाड़ी आप लोग को देखने को मिल सकती है। बाकी नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बहुत जल्दी आप लोग को महिंद्रा की XUV300 का फेसलिफ्ट मिलने वाला है, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, टीज कर दिया है पूरी तरीके से महिंद्रा ने अपनी 3XO जिसको नाम दिया गया है, वो अब ये 300 ही है, जिसमें इसके एक्सटीरियर के डिज़ाइन देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव डिज़ाइन दिए गए हुए इस गाड़ी को। और सच में बता रहा हूँ ये गाड़ी पर्सनली बहुत ज़्यादा तहलका मचाने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आप लोग को जो है लुक्स के साथ साथ आप लोग को फीचर्स भी बहुत ज़्यादा दिए गए हुए, जैसे कि फ्रंट पूरी तरीके से चेंज है, ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा मेजर अपग्रेड भी मिलने वाले हैं, इंटीरियर पूरी तरीके से चेंज है इस गाड़ी का, और इंफोटेनमेंट नया मिल जाएगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा आप लोग को, एक पैनोरामिक सनरूफ भी इसके अंदर आप लोग को दिया जाने वाला है, जो कि सबसे बड़ी बात होगी कॉम्पैक्ट एसयूवी की रेंज के अंदर, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और भी कई सारे ऐसे सेफ्टी के फीचर। बाकी इस गाड़ी का जो लॉन्च डेट है ना, अब ये बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, ये आप लोग को 1 से 1.5 महीने के अंदर या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ ही आप लोग को ये गाड़ी देखने को मिले, यानी कि मई के महीने में देखने को मिल सकती है।
बाकी नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पे फॉक्सवैगन की तरफ से आने वाली है पोलो न्यू जनरेशन। आप लोगों को पता ही है 2022 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था जो पोलो थी, अब ये इसको दोबारा से रीलॉन्चिंग की तैयारी चली हुई है, जिसमें आप लोग अगर लुक्स देखते हो तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है गाड़ी, जिसमें कनेक्टेड LED DRLs आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। नया डिज़ाइन के साथ साथ फ्रंट रियर सब कुछ इस गाड़ी में आप लोगों को चेंज मिलने वाला है, और साथ ही में रियर भी चेंज है इसके। हेडलाइट सेटअप पूरी तरीके से प्रीमियम बना दिया गया हुआ है, एडास आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर मिलेगा, और 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि 101 BHP या समथिंग इतना ही आप लोगों को जो है ना पावर आउटपुट ये देगा, जो कि इसकी पहचान ही यही थी। एक नया कैबिन है इस गाड़ी के अंदर, हेड्सअप डिस्प्ले है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वेंटिलेटेड सीट्स है, और भी कई सारे फीचर्स है जो कि इस फॉक्सवैगन पोलो के अंदर आप लोग को मिलने वाले हैं। इस गाड़ी का लॉन्च डेट जो है ना, ये आप लोग को फेस्टिव सीजन तक ये गाड़ी देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर हम लोग लास्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं इस लिस्ट की, तो होंडा की तरफ से आने वाली है WRV, और ये भी एक कॉम्पैक्ट SUV रहने वाली है, जिसमें आप लोग को काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि आप लोग को फर्स्ट इन सेगमेंट भी हो सकते हैं। और साथ ही में अगर इसके प्राइसिंग के बारे में एक्सपेक्टेड बता देता हूं, तो 10 से लेकर 14-15 लाख रुपए की कीमत में इस गाड़ी को उतारा जा सकता है। और इस गाड़ी को देखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को अमेज़ की याद आएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म उसी का ही यूज़ किया गया है, और उसी के ही जो है ना आप लोग को इसके अंदर सारी चीज़ें यूज़ कर दी गई हुई है। फ्रंट में आप लोग को रडार सेंसर मिलेगा, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा जो कि 100 BHP की पावर निकालेगा, 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड CVT गियरबॉक्स के साथ ये गाड़ी आएगी, और बिग स्क्रीन के साथ साथ वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स और भी कई सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे। तो इस गाड़ी का लॉन्च डेट भी एंड ऑफ द ईयर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी ये गाड़ी। बाकी देखिए यही थी सारी वो गाड़ियां जो आप लोगों को अभी कुछ महीनों के बाद या फिर यूं कह सकते हैं कि आने वाले एक साल में यह गाड़ी मिल सकती है आप लोगों को। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बता देना, अगर कौन सी गाड़ी आप लोग को पसंद आई उसके भी नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप लोग को ऐसी ही किसी वीडियो के अंदर, आप लोग रखना अपना ध्यान। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।